अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखें 7 चैप्टर में हम क्या क्या यूज करेंगे। हम सबसे पहले फैक्टोरियल का ओरिजिनल फार्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे पास n का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 गोज टू 3 टू 1। ये हमारे पास n का फार्मूला यूज होगा। n का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1। 2 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है, उसकी रिड्यूसिंग वैल्यूज, 2 के पीछे वाली वैल्यूज 2, 1 इंटू फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 टू 1। एंड 4 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, उसकी डिसेंडिंग वैल्यूज, उसके पीछे वाली वैल्यूज। इसके बाद हम यूज करेंगे सेकंड वाला फार्मूला परम्यूटेशन 7.2 में। इसके बाद हम यूज करेंगे परम्यूटेशन ऑफ ऑल थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट के लिए, क्या फार्मूला यूज होगा, एन का फैक्टोरियल ओवर एन 1 मल्टीप्लाई एन 2 मल्टीप्लाई एन 3 गोज टू एन एन 1 एन 2 एन 3। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन एन सी आर का, हमारे पास क्या फार्मूला होगा, एन का फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में हमारे पास क्या है, पेज नंबर है आपके पास 231। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसको किस टर्म में लिखना है, सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले देखें 4 का फैक्टोरियल है हमारे पास, 6 का फैक्टोरियल है, 8 का फैक्टोरियल है, 7 का फैक्टोरियल है। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 के फैक्टोरियल की। 4 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 से रिड्यूसिंग वैल्यूज, 4 के पीछे वाली वैल्यूज। अब देखें 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 3। जब हमने इसको फैक्टोरियल को कन्वर्ट किया स्मॉल वैल्यूज में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। मल्टीप्लाई का साइन भी यूज कर सकते हैं और आप इनटू भी यूज कर सकते हैं और डॉट भी यूज कर सकते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं 3 2 एंड 1। जब हम इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 द 12, 12 2 द 24 और 24 1 द, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 24। ठीक है, इसके बाद हम 6 से रिड्यूसिंग वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 720। 720 यार हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें एक हमारे पास 8 का फैक्टोरियल है और एक हमारे पास 7 का फैक्टोरियल है। अब आपने इसको कैसे करना है, सबसे पहले इसको ब्रेक करें, 8 के फैक्टोरियल को आप कैसे ब्रेक करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह हम 7 के फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करेंगे, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, जो वैल्यूज आपस में कट रही है इसको काट दें और हमारे पास बाकी क्या बच गया, 8। और यही हमारे पास इसका आंसर आएगा, देखना जी। अब हमारे पास 10 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल है, हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओवर। इधर हम 7 को कैसे ब्रेक करेंगे, 7 6 5 4 3 2 1। ये सारी वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, 10 9 और 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास भी आंसर आ जाएगा 720। 720 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें 11 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल कैसे ब्रेक होगा, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओवर। अब देखें अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 2 1 और 7 को जब हम ब्रेक करेंगे 7 6 5 4 3 2 1। ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कट गई, बाकी हमारे पास क्या रह गया, 10 को 11 को आप मल्टीप्लाई करें, 10 के साथ मैं कर देता हूं, देखें जरा आपको पता चल जाएगा कैसे करना है इस ओवर वाले क्वेश्चंस को। 11 चल 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 7920। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई कर देना इनको, 4 3 द 12 12 2 द 24 डिवाइडेड बाय 24, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 24 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 330, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6 का फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को कैसे सिंपलीफाई करेंगे, 6 के फैक्टोरियल मतलब क्या है, 6 5 4 3 2 1 और इस 3 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 2 1 इधर क्या है, 3 2 1, ये 3 2 1 3 2 1 से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया, 6 5 द 6 5 द 30 एंड 34 द 120। 120 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 20। ठीक है, इसी तरह हमने इसको पहले सिंपलीफाई करना है, इधर हमारे पास क्या है, 9 का फैक्टोरियल, इधर क्या है, 2 का फैक्टोरियल, इधर क्या आ जाएगा, 7 का फैक्टोरियल। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे 9 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 8 7
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इधर आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, इधर हम सेवन को कैसे ब्रेक करेंगे, 7 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 7 के बाद 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1, ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल। देन हम क्या करेंगे, 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद देख लेना अब आपके पास इसका क्या आंसर आएगा। इसके बाद देखें ये हमारे पास 15 का फैक्टोरियल, 15 ओवर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 15 के फैक्टोरियल को हम पहले इसको देखें, 15 का फैक्टोरियल इधर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और 0 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जब आप इसको डिड्यूस करते जाएंगे, 15, 14, 13 इधर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। जो भी आपके पास रिड्यूसिंग वैल्यूज आएंगे ना, 13 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको आपने सारों को मल्टीप्लाई करके पास आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है वो, हाँ ठीक है, इधर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1, 15 का फैक्टोरियल ओवर 15 इधर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 15 से कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब देखें 3 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल का मींस मतलब क्या, 3, 2, 1 और 0 के फैक्टोरियल का मतलब क्या, 1, 3, 2, 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसको अगर हम रिड्यूस करें 4, 3, और यार इसको हम मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है हमारे पास, 1 एंड 1 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है हमारे पास, 1, 4, 3, 12, 12, 2, 24, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।